नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यपाल किरण बेदी जी हैं। मैम, आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसमें सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कॉम्पेशन पे, तो इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग को विश्व स्तर पे आप कैसे देखते हैं और आपने राज्यपाल रहते हुए क्या कदम उठाए? चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो जहाँ बच्चा चूजा है उसको चील छपड़ेगी नहीं, चील झपटती है जब एक चूजा उसको खाना खाना। ऐसे मानव भी है, मानव भी झपटता है जब वो देखता है कि कोई बच्चा कमज़ोर रह गया और उसको कैसे हो, चाहे प्यार करता है तो अडॉप्ट कर लेगा और अगर प्यार नहीं करता तो उसको इस्तेमाल करेगा, उसको बंधुआ बना लेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको कई बारी बड़ा करके उसको बेच देगा, ट्रैफिक करेगा, उसकी किडनी बेचेगा, उसका बड़ा कुछ बेचेगा। सो ये झपट डिपेंड करता है कि ऊपर भगवान की दृष्टि है बच्चे पर या एक चील की है। चील तो भूखी है, चील तो जानवर है, उसको तो यही चाहिए। लेकिन अगर हर बच्चे को क्या भगवान मिल जाता है? उसके लिए भगवान होते हैं उसके माँ बाप। सो जिसके माँ बाप ही उठ गए या माँ बाप ही नहीं बंधुआ बना दिया या उन है ही नहीं, तो बच्चे का क्या होगा? वो तो चूजा है, उसको तो पंख चाहिए, माँ की गर्मैश चाहिए, तो उस गर्मैश नहीं मिलेगी तो गया। सो ऐसे है। सो इसलिए जो सत्यार्थी साहब कर रहे हैं ये एक भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का भगवान है ये, पिता भी है, दादा भी है, नाना भी है, सब कुछ है, भाई भी है, सब कुछ है। जो एक नाना ऐसा प्ले रोल कर रहे हैं जो कि जो इन चीलों से दूर कर रहे हैं, चीलों को हटा रहे हैं। सो इसलिए तो भगवान ने, कुदरत ने इनको नोबेल प्राइज़ दिया। ऐसे थोड़ी नोबेल प्राइज़ मिलता है। आप भी एक इंडियन विजन फाउंडेशन चलाती हैं, तो ये क्या काम करती हैं बच्चों के लिए? इंडिया विजन फाउंडेशन यही करती है। हम वो करते हैं बंधुओं के लिए, हम करते हैं जो बच्चे जो जिनके माँ और बाप जेल में चले गए, बच्चे को छोड़ गए और बच्चे के पास कोई नहीं, ना दादा ना दादी, और अगर है तो बूढ़े, दिखता नहीं, पैसा नहीं, पड़ोसी को का उनका उधार है, तो छीले छपड़ती हैं इनको, वो छपड़ती हैं। इंडिया विजन फाउंडेशन वही करती है। लेकिन और ऐसे बच्चों को अगर पता चल गया, जेल से पता चल गया या कहीं से पता चल गया कि बच्चे हैं, तो हम उनको लेने की कोशिश करते हैं और स्कूल ढूंढते हैं या घर ढूंढते हैं या सुरक्षा ढूंढते हैं। यही मैंने कहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस जैसे गिरफ्तारी करे तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन बता दे अगर कोई बच्चा रह गया, पीछे बच्चे रह गए, ताकि सेव द नेक्स्ट विक्टिम, इसको कहते हैं अगले विक्टिम को बताओ उसने क्या गलती की, उसके माँ बाप ने गलती की, तो उसने बच्चे ने क्या कसूर किया जो कि वो ऐसे अबैंडन हो जाए, गलती तो की उसके माँ बाप ने। तो इसमें आप आईपीएस भी रही हैं, जानी मानी देश के स्तर पर, तो इसमें आप पुलिस को और प्रशासन को क्या एडवाइस देगी इस चीज़ को? यही कहा है पुलिस को, जब पुलिस गिरफ्तारी करे घर की स्थिति को तुरंत देखे, और अगर घर की स्थिति में ये है कि तो मान लीजिए माँ बाप दोनों गिरफ्तार हो गए तो छोटे बच्चे रह गए, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को बुलाए, अपने बच्चों को संभालो, देख रेख करो। पुलिस को रिपोर्ट करना फ़र्ज बनता है चाइल्ड हेल्पलाइन को, नंबर वन। और अगर पुलिस भूल गई, कचहरी जब पेश होते हैं कचहरी पूछे, कचहरी भूल गई तो प्रिजन पूछे, प्रिजन पूछे तो देखे हर अगर वो भूल गई तो पंचायत पूछे, अगर वो भूल गई तो टीचर पूछे, अगर सारे जगह से कोई ना कोई तो चलेगा। हमको तो अपने बच्चे को बचाना है ना।